वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो यार सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा ओवेंट आपके लिए बेस्ट है, चाहे आप रैली ट्रैप हो, चाहे आप वॉर ऑफ वंडर्स खेल रहे हो, चाहे आप अटैकिंग के लिए यूज़ कर रहे हो। हमारे पास चार ऑप्शन रहती है फ्री टू प्ले, उन चारों के बारे में मैं बताऊँगा। पेड टू प्ले की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बार फ्री टू प्ले की जो गेयर होते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उनके पास देखो जनरली ये मिड्स हो जाता है, बन जाता है एपिक तक तो बन जाता है, चाहे अगर वो टाइम से खेल रहा तो इसका गोल्ड भी हो जाता है। एंड दूसरी चीज़ है जो कोडक्स, ये भी इजीली बन जाता है, इसको भी ज़्यादा मटेरियल नहीं चाहिए होता, इजीली बन जाता है। दो तो ये हो गया। एंड थर्ड नंबर पे हो गया ये ड्रैगन फिस्ट, ये भी अच्छी खासी एचपी देता है, 28% एंड कैप अटैक देता है। एंड जो ये है डार्क एगिस, ये आर्मी अटैक एंड इन्फेंट्री अटैक सिर्फ देता है। तो सबसे पहले हमें इनका स्कोर निकालना होगा कि कितना स्कोर मिलता है इनको अकॉर्डिंग टू IGG सिस्टम, इनको कितना पॉइंट्स मिलता है वो हम निकाल लेते हैं। क्योंकि जब हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा होता है 2% अटैक, एंड जब यहाँ पे क्लिक करते हैं हम इन्फर्मरी पे, वहाँ पे लिखा होता है 5%, एंड जब हम बैरक पे क्लिक करते हैं एंड तब लिखा होता है 10% डिफेंस। इसके रेफरेंस पे हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं सभी गियर्स के, ठीक है। एंड अगर आप टेस्टिंग भी करना चाहो आर्मी HP अटैक डिफेंस भी कौन सा बेटर है, तब भी सेम रिजल्ट आएगा जैसा IGG ने बताया हुआ है, 2% अटैक इक्वल टू 5% HP इक्वल टू 10% डिफेंस। तो आइए इसके पहले हम पॉइंट सिस्टम निकाल लेते हैं कि कैसे आते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कोडक्स की, कोडक्स इसको स्क्रीन को टिल्ट कर लेते हैं। कोडक्स क्या देता है हमें, 28% कैफ टैक देता है। ये विंटर मिट्स के पहले मैंने निकाल के रखे थे, दोबारा मैं निकाल के दिखा दूंगा इसको कितने पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे कोडक्स लिख देते हैं, ड्रैगन फिस्ट एंड फोर्थ क्या था, डार्क एगिस। सबसे पहले कोडक्स के हम देखते हैं, कोडक्स का जो कैव टैग था 28% था, एंड कैव HP भी कितनी थी, 28%, एंड रेंज अटैक कितना था हमारा, 49। यहाँ क्या लिखे आ गया, तो इसके पॉइंट्स कितने हुए हैं कोडक्स के, 455, राइट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बाद में दूसरे करके लिखेंगे। तो अच्छा ये तो मैंने निकाल ली, बट आप लोग सोच रहे हो कि ये निकाला कैसे है। देखो ये जो आर्मी अटैक 5 पॉइंट्स मैंने बताया था IGG के रेफरेंस के हिसाब से, एंड अगर आप टेस्ट करना चाहते हो निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने सब लिख लिया, आर्मी HP के 2.5 पॉइंट्स, आर्मी डिफेंस के 1, एंड बाकी अटैक के 5 आप देख सकते हो, डिफेंस के 1 है, चाहे इन्फेंट्री का डिफेंस है चाहे आर्मी डिफेंस। एंड मल्टीप्लायर का क्या मतलब है, देखो आर्मी अटैक अगर हम सीज को मत गिने बीच में तो कौन सी ट्रूप्स बचती हैं हमारी, इन्फेंट्री, रेंज एंड कैप, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि तीनों को मिलता है ना ये आर्मी अटैक, सेम आर्मी HP भी 3 ट्रूप्स को मिलती है, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई की है। तो इस बेस पे हमने पॉइंट्स निकाले, तो इसके कितने आए, 455। चलो अब हम इसका निकालते हैं मिड्स का, नहीं पहले इसका निकालते हैं, हम फिस्ट का निकालते हैं लास्ट में उसका निकालेंगे, इसको क्लियर कर देते हैं। फोन पे यार एक्सेल चलाना बहुत डिफिकल्ट है। चल के सबसे पहले देखते हैं कि ये कितना स्टैट देता है हमें, ये देखते हैं। रेंज अटैक 14%, जो कि काफ़ी कम है, जो हमें चेक किया था कोडक्स का उसका 49 था, इसका सिर्फ 14% है। प्लस इन्फेंट्री डिफेंस देता है, आर्मी डिफेंस देता है, एंड आर्मी HP देता है। चलो इसको पुट करते हैं वहाँ पे। सबसे पहले रेंज डिफेंस कितना देता है, 14%, तो इसके 70 पॉइंट्स बन गए, क्योंकि 14% इंटू 5 इससे मल्टीप्लाई करनी, क्योंकि इसके एक डिफेंस के, एक अटैक के 5 पॉइंट है, तो 14 पॉइंट के कितना पॉइंट्स हो जाएंगे, 70, ठीक है। एंड डिफेंस कितना देता था हमें इन्फेंट्री, 45.5, तो इसके उतने ही पॉइंट्स आ गए क्योंकि एक से मल्टीप्लाई हुई है। एंड आर्मी HP कितना देता था, 35 पॉइंट, जो कि काफ़ी
ज़्यादा है इसके, देखो कितने पॉइंट आए, 262। एंड आर्मी डिफेंस भी देता था 35%, सॉरी ये मैं गलत निकाल रहा हूँ, फिस्ट का निकालना था ना मैं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम फिस्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे हम मिड से लिखते हैं। आर्मी डिफेंस 35%, तो इसका पॉइंट्स देखो कितना आया है, 483, राइट। तो चलो हम निकालते हैं हम फिस्ट का, ड्रैगन फिस्ट, इसको क्लियर कर देते हैं। कहाँ के ड्रैगन फिस्ट, कैव टैक देता है हमें 30% एंड 30.8% एंड एचपी देता है 28, सिर्फ दो स्टैट देता है। मुझे नहीं लगता इसका मतलब स्कोर ज़्यादा होगा, चलो देखते हैं फिर भी कितना स्कोर बनता है इसका। 38% 30 एंड एचपी कितना देता था हमें, 28, राइट। तो गाइस इसका स्कोर बना हमारा 364, क्योंकि दोनों से कम है, इसको भी क्लियर कर देते हैं। अब बचा लास्ट पे डार्क एगिस, डार्क एगिस ही नाम है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नाम है इसका यार। हाँ वो तो वैसे ही हमें याद है कितना देता है, 14% इन्फेंट्री का अटैक देता है एंड 14% आर्मी अटैक देता है, तो इसमें 14% हम फिल करते हैं, 210 इसका आ गया एंड इन्फेंट्री का 14%, तो इसका पॉइंट्स बढ़ा गाइस 280 ओनली। तो अब देखो इन चारों में से किसके ज्यादा पॉइंट्स हैं, इसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं, फॉन्ट कलर, फिल कलर। एंड सबसे कम इसके हैं तो इसको हम रेड दे देते हैं, इसको दे दिया हमने रेड, दिख नहीं रहा, देखिए जूम करता हूँ, ठीक। विंटर मिड्स के ज़्यादा पॉइंट्स हैं एंड डार्क एगिस से बिल्कुल कम है, तो इस चीज़ को आप देखो कि दो गेयर तो आप बिल्कुल यूज़ मत करना मिक्स में, ड्रैगन फिस्ट हो गया, डार्क एगिस हो गया, क्योंकि इनके पॉइंट बहुत कम हैं दोनों से। अब बात आती है कोडक्स एंड मिड्स की, इन दोनों के पॉइंट देखो लगभग सेम है, तो हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, गेम में चलते हैं, चलो आ जाओ। अब देखो विंटर मिड्स आपको कब यूज़ करना चाहिए, मान लो फ्री टू प्ले, ये मैं चैंपियन के रटा था, फ्री टू प्ले नॉर्मली सबके पास बम्बल हेलम हो जाता है, ठीक है, एंड ये भी होता है, लेग कौन सी होती है, ये होती है, राइट, एंड फ्रोस्टिंग होती है सोर्ड, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एंड कप किसी के पास, चलो एक कप लगा देते हैं, बाकी हमारे पास ये हो जाता है, एंड जहाँ किसी के पास ड्रम होता है, राइट। मिथिक की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके अगर पर्पल भी गेयर है ऐसे टाइप के होते हैं फ्री टू प्ले के गेयर जो भी होते हैं, ठीक है, या किसी के पास कप भी नहीं होता, जनरली कप होता है तो ये चीज़ लगा देते हैं। इस केस में देखो आपके सभी गेयर अटैक वाले हैं, ठीक है, बट अगर हम इसको निकाल के अगर कोडक्स भी लगा देते हैं तो सारे के सारे आपके अटैक वाले बन जाएंगे, इतनी ज़्यादा एचपी देने वाले नहीं बनेंगे, फिलहाल ये थोड़ा सा एचपी दे देता लेग्स एंड रिंग भी दे देती है, बट इतनी एचपी आपको नहीं मिलती, तो आपके जो सारे गेयर आपके अटैक वाले हैं, तो अगर आपके सारे गेयर अटैक वाले हैं एंड आपकी एचपी लैग कर रही है, देखो यहाँ पे अब मेरी एचपी 400 है, अगर ये गेयर लगा के आपकी एचपी 250 बन रही है तो आप कोडेक्स को मत लगाना, क्योंकि आर्मी जो एचपी होती है जो इसमें विंटर मिड्स में है 35% है। आर्मी एचपी की वैल्यू बताता हूँ क्या होती है, आप जब आपके ऊपर जब रैली होती है तो आपने उनको काउंटर भी कर लिया, जनरली आपने देखा होगा कि मान लो उसने इन्फेंट्री से अटैक किया, आपने कैब में ले लिया, तो जो फ्रंट लाइन होगी आप उसका डैमेज देखना,
जो एक्चुअल ट्रूप से डैमेज मिला होगा, उसकी इन्फेंट्री ट्रूप ने आपकी कैप को डैमेज दिया होगा, वो सिर्फ होगा 1800 to 1 million मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बट जो फैमिलियर का डैमेज होगा पीछे से, जो मारते हैं पैक्ट फाइव के फैमिलियर, ये वाले होते हैं, ये वाले, ये लार्जेस्ट स्क्वाड को अटैक करते हैं, जो कि आपकी जो फ्रंट लाइन भी हो सकती है। इस केस में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो आपकी फ्रंट लाइन में बिगेस्ट स्क्वाड नहीं है, जो आपकी बैक लाइन है वो बिगेस्ट स्क्वाड है, तो आपकी बैक लाइन को वो डैमेज देंगे। ये वो डैमेज किस पे डिपेंड करता है, कितना ज़्यादा होगा, वो आपको डिपेंड करता है आर्मी एचपी के ऊपर। अगर आपकी आर्मी एचपी काफ़ी ज़्यादा है तो आपको वो वाला डैमेज कम होगा, समझ रहे हो आप। तो इस केस में अगर देखो, आप सभी अटैक के साथ जा रहे हो डिफेंड करने, सारे अटैक के, एंड आपकी एचपी 250 ओनली, तो आपको अगर आप उसको काउंटर भी कर ले तो फिर भी आपको 2 मिलियन से 2.5 मिलियन डैमेज होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है काउंटर करने के बाद भी, तो उसकी कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर वही एचपी अगर आप ये लगा के डिफेंड करोगे, बाकी आपके सारे अटैकिंग के गेयर होंगे, तो आपकी एचपी 300 तक आराम से बन जाएगी। तो उस केस में जो फैमिलियर का डैमेज होगा वो भी कम होगा, एंड फ्रंट लाइन में जो डैमेज होगा वो भी कम होगा। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से लगाना है। आप अगर ये लगा रहे हो, मेक श्योर कि आपके पास बम्बल हेलम हो जो एचपी देता है 20 LM से ज़्यादा, राइट, एंड आपके पास 2 रिंग हो, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रिंग से आपको इनफ एचपी मिल जाएगी एंड बम्बल हेलम से मिल जाएगी। या आपके पास ये है स्टोन एसेट, ठीक है, या इन इसमें से ज़्यादा फ़र्क नहीं एचपी में, ये भी लगा सकते हो, ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। दूसरा केस है, एचपी की बात छोड़ो, अगर आप रेंज फ्रंट के ट्रैप हो, चाहे आप रेंज रीइंफोर्स ट्रैप हो, या आप वो हो रैली पार्टी ट्रैप हो जिसमें आपकी रेंज फ्रंट लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आप जाहिर है कि आप उसका अटैक काफ़ी ज़्यादा रखना चाहोगे रेंज फ्रंट, तब आप ये यूज़ कर सकते हो डार्क एग्स, क्योंकि इसमें रेंज का अटैक 49% मिल जाता है, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तब आप यूज़ कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि इसके पॉइंट्स ज़्यादा आए तो इसको हर टाइम आप यूज़ कर सकते हो, इन्फेंट्री ब्लास्ट में भी, सोलो ट्रैप में भी, रैली ट्रैप में भी, सब केस में यूज़ कर सकते हो, चाहे आपकी इन्फेंट्री फ्रंट लाइन है, तो ऐसा नहीं होता, सिचुएशन के हिसाब से मैटर करता है। अब देखो 4-3-3 में जब मैं खेलता हूँ तो ये मैं चैम्पियन गियर हटा देता हूँ, चाहे कि बेस्ट है चैम्पियन गियर सबसे ऑफ एंड, आपको मैं इसका पॉइंट्स निकाल के दिखाता हूँ कि इसके पॉइंट्स कितने बनते हैं, बाकियों से कितने आते हैं। 49 क्या है हमारा इन्फेंट्री टैप, वैसे साइंस के लिए हम देखते हैं कि इसके पॉइंट्स कितने बनते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। 49 है हमारा इन्फेंट्री अटैक, 225 तो यहीं भी हो गए, इसलिए कैप टैक है 42 हो गया कैप टैक, 20 वो लिख लिया 42, राइट, एंड बाकी क्या देता है हमें आर्मी डिफेंस 28 तो इसके पॉइंट्स बने हमारे 539 जो कि चारों से ज़्यादा है। देखो तो उस हिसाब से देखो चैम्पियन गियर के पॉइंट्स सबसे नॉर्मल मिथी गियर से ज़्यादा होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम चैम्पियन गियर में सबको सब में यूज़ करते रहे। अगर हम 442 खेल रहे हैं वंडर्स में तो आप ये यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से अलग चीज़ होती है हमेशा, तो उस हिसाब से आपको गियर सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके कैसल में एक गियर बन गया तो वही बेस्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, सिचुएशन के हिसाब से हमेशा बेस्ट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑफ एंड सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी गियर के बारे में बात करेंगे कि फ्रॉस्टिंग स्वॉर्ड बेटर है या स्कल क्रशर। दूसरी कंफ्यूजन लोगों में यही होती है कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट है, तो उसके बारे में हम देखेंगे धीरे धीरे करके, सभी गियर पे हम फोकस करेंगे। ऑफ एंड की वीडियो मैंने आज बनाई है, बाकी की वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जैसे जैसे टाइम आएगा। पहली वीडियो मैंने इसकी बनाई है ऑफ एंड की, तो आप इसको पसंद आए तो आप इसको शेयर करना लोगों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।